सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं, जिसमें जो पहला दो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी F41 जो फिलहाल अभी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ पोको की तरफ से पोको X3। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो दोनों में आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए इसी के बारे में चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन की पहले डिस्प्ले की बात कर ले तो सैमसंग गैलेक्सी F41 में आपको देखने को मिल जाती है 6.4 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 16 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है, और इन्फिनिटी यू स्टाइल आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसमें आपको नॉच देखने को मिल जाता है, कॉर्निंग ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, और रियर साइड आपको प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है, ज्यादा बेकार भी नहीं कहूंगा, क्योंकि डिस्प्ले क्वालिटी ऑब्वियसली ये सैमसंग का फोन है तो आपको डिस्प्ले क्वालिटी टॉप नॉच देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे पोको X3 के डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको 6.67 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 240 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है फ्रंट में, और रियर साइड आपको प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी है यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है वो थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है पोको X3 में, लेकिन आपको जो सुपर एमोलेड स्क्रीन यानी कि सैमसंग गैलेक्सी F41 है उसमें आपको रिफ्रेश रेट नॉर्मल देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाते हैं। तो आपके हिसाब से जो आपको जो पसंद है वो जो डिस्प्ले, तो वो डिस्प्ले के हिसाब से आप फोन ले सकते हो। अगर आपको रिफ्रेश रेट ज्यादा चाहिए इस प्राइस रेंज में तो आप पोको X3 ले सकते हो। अगर रिफ्रेश रेट का आपको कोई भी मतलब नहीं है, अगर आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन चाहिए तो F41 ले सकते हो। बात करते हैं आप दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, बता दें तो सैमसंग गैलेक्सी F41 है उसमें आपको मिलता है एक्सिनोस की तरफ से 9611 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 10 नैनोमीटर बेस चैनल में काम करता है, ऑक्टा कोर पावर 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें आपको मालिका G72 MP3 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये 2 साल पुराना प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको डे टू डे लाइफ में अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, लेकिन हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के साथ में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे बता देखो जो पोको X3 उसमें आपको लेटेस्ट क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 8 नैनोमीटर बेस चैनल पे काम करता है, ऑक्टा कोर पॉड है, 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, और इसमें आपको एड्रिनो का 618 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में आपको कोई भी शिकायत देखने को मिलती है अगर हम पिछले वाले वर्जन से कंपेयर करते हैं पोको X2 से, तो यहाँ पे आपको और थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। हालांकि माइनर साइज चेंजेस है, सिर्फ आपको जो प्रोसेसर का नाम है उसमें आपको अपग्रेड देखने को मिल जाता है, बाकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे पोको X3 में। तो यहाँ पे F41 से थोड़ा सा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले पोको X3 आगे निकल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, बदलने को सैमसंग गैलेक्सी F41 इसमें आपको दो अलग अलग वेरियंट देखने को मिल जाता है, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। माइक्रो एसडी कार्ड लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको दो ही वेरियंट देखने को मिलता है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पोको X3 उसमें आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, बाकी जो बेस वेरिएंट जो 2 महीने पहले बताया F41 में वो तो मिले हैं, लेकिन यहाँ पे तीसरा जो वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, यानी कि टोटल आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं पोको X3 में। माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन ये डेडिकेटेड नहीं है, तो ये बात ध्यान रखा गया कि इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एक अलग से 8GB वाला वेरिएंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है पोको X3 में, लेकिन यहाँ पे F41 में आपको 8GB वाला वेरिएंट देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे के, बदन जो सैमसंग गैलेक्सी F41 है इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो प्राइमरी लेंस है वो 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है F1.8 एपर्चर के साथ में, दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है जिसका एपर्चर F2.2 का देखने को मिल जाता है, तीसरा आपको एक 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है F2.4 के एपर्चर के साथ में, और इसमें आपको सिंगल टोन एलिमेंट देखने को मिल जाती है 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में, और यहाँ पे आपको
सिंगल टेक वाला फीचर्स भी देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फीचर्स आपको बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं रियर कैमरा के मामले में F41 में। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं पोको X3 के रियर कैमरा की, जिसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको प्राइमरी लेंस वो तो 64 मेगापिक्सल का ही देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको सोनी IMX682 का सेंसर देखने को मिल जाता है F1.8 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है F2.3 एपर्चर के साथ में। और तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एसएसडी देखने को मिल जाती है 4K और 1080p की, 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो ES ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है वो बहुत ही अच्छा खासा है, पोको X3 में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो F41 है उसमें आपको कैमरा सेटअप थोड़ा सा एक डाउनग्रेड देखने को मिल जाता है, ज्यादा अच्छा भी नहीं कहूंगा और ज्यादा बुरा भी नहीं कहूंगा। लेकिन यहाँ पे जो एक फीचर है वो बहुत ही अच्छा है F41 में, जो सिंगल टेक वाला फीचर है वो आपको शायद आपको पोको X3 में ऐसा वाला फीचर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो सैमसंग की ब्रांडिंग के हिसाब से आपको जो कैमरा सेटअप है वो भी आपको F41 में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे पोको X3 में और भी अच्छा हो जाता है कैमरा सेटअप, क्योंकि इसमें आपको सोनी IMX682 का सेंसर देखने को मिल जाता है। तो रियर कैमरा के मामले में यहाँ पे पोको X3 आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, बदल जाए तो सैमसंग गैलेक्सी F41 में आपको देखने को मिल जाता है 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसका एपर्चर F2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा और 4K तक की आपको 13 FPS तक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। पोर्ट्रेट मोड, स्लो मोशन का वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन और भी कई सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं सेल्फी कैमरा के मामले में। तो आई एम ऑन द पेपर 32 मेगापिक्सल कैमरा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पोको X3 में आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, पंचोल कैमरा सेटअप है, F2.2 एपर्चर का सेटअप देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा और 1080p की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको सेल्फी कैमरा पे और भी कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ऑन द पेपर बात करें मेगापिक्सल रिजोल्यूशन के मामले में, तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F41 का सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की, बदल दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम बैटरी देखने को मिल जाती है, 6000mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है F41 और पोको X3, ये दोनों ही स्मार्टफोन में सेम बैटरी सेटअप देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी F41 है इसमें आपको 15W का एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पोको X3 है इसमें आपको 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और इन द बॉक्स चार्जिंग के एडाप्टर देखने को मिल जाता है। तो चार्जिंग स्पीड के मामले में यहाँ पे पोको X3 थोड़ा सा आगे निकल जाता है। सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो सैमसंग गैलेक्सी F41 में आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बदल जाएगा 1 UI 2 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको बदल जाएगा पोको X3 है उसमें मिलता है एक एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 12 के साथ में आपको पोको लॉन्चर 2.0 के साथ में कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ब्लोटवेयर बर्दाश्त कर सकते हो तो यहाँ पे पोको X3 ले सकते हो, अगर आपको ब्लोटवेयर यार नहीं चाहिए तो सैमसंग गैलेक्सी F41 ले सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बदलने सैमसंग गैलेक्सी F41 में आपको नॉर्मल जो सेंसर है सभी सेंसर देखने को मिल जाता है, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर ऑलमोस्ट आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा आपको परेशानी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो पोको X3 उसमें बदल जाए कुछ नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, इसमें आपको हाइब्रिड स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि दो सिम या एक सिम माइक्रो एसडी कार्ड एक साथ लगा सकते हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, ब्लूटूथ का 5.0 और ड्यूल स्पीकर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको हाई रेंज ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में यहाँ पे पोको X3 थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें आपको ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट और हाई रेंज ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो थोड़ा सा बेटर यहाँ पे हो जाता है पोको X3। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस के, दोनों ही स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छे खासे कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करूं तो जो सैमसंग गैलेक्सी F41 और बदल जाए जो पोको X3 की जो बेस वेरिएंट की बात करूं, तो दोनों ही स्मार्टफोन की जो बेस वेरिएंट की प्राइस वो दोनों सेम देखने को मिल जाती है, 17,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। तो इसमें कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे 17,000 में आपको बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपको बदल देगा पहले को डिस्प्ले, आपको बदल देगा जो सुपर एमोलेड स्क्रीन आपको सैमसंग गैलेक्सी F41 में देखने को मिल जाए, वहीं पे आपको पोको X3 में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120Hz के आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर यहाँ पे आपको कमाल का आपको पोको X3 में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, लेकिन जो F41 है उसमें 2 साल पुराना वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। उससे अच्छा 17,000 की प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा आपको प्रोसेसर वाला पोको X3
अच्छा खासा बेटर परफॉर्म करने वाला है। रियर कैमरा की बात करूं तो रियर में भी आपको अच्छा कैमरा सेटअप आपको पोको एक्सट्री में देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन की जो बेस वेरिएंट आप परचेस करने की सोच रहे हो तो यहाँ पे पोको एक्सट्री परचेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे F41 परचेस मत करिएगा क्योंकि इसमें आपको बता देंगे जो प्राइस के हिसाब से स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही अच्छी काफी देखने को नहीं मिलती। बाकी जो दूसरा वेरियंट है 6GB 128GB वाला वेरियंट, इसकी प्राइस 18,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। वहीं पे आपको पोको एक्सट्री में सेम वेरियंट आपको बताना चाहूंगा 16,000 यानी कि यहाँ पे आपको 18,500 रुपए की प्राइस में पड़ता है, यानी कि 500 रुपए और ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पे दूसरे वेरियंट में, तो बात ध्यान रखिएगा। बाकी जो दूसरा वेरियंट है यहाँ पे तीसरा जो वेरियंट आपको देखने को मिलता है पोको एक्सट्री में, उसमें आपको 20,000 की प्राइस में फोन पड़ता है, वो थोड़ा सा ओवर प्राइस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो दो वेरियंट है वो बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, जो दोनों ही प्राइस के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है पोको एक्सट्री में, क्योंकि यहाँ पे F41 थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिल जाता है, ज्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलते। सिर्फ क्या हुआ कि जो M31 था उसकी स्पेसिफिकेशन उठा के यहाँ पे आपको F41 में देखने को मिल जाती है, ज्यादा चेंजेस यहाँ पे कोई भी फोन में आपके F41 में देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन यही करूंगा कि आपको बता दूंगा जो पोको X3 आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, सैमसंग गैलेक्सी F41 या हमारा पोको X3, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।